नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं, और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। गाड़ी गाढ़ी, गाड़ी का अर्थ होता है यान और गाढ़ी का अर्थ होता है गहरी। पृष्ठ पृष्ठ, पृष्ठ का अर्थ होता है पूछा हुआ और पृष्ठ का अर्थ होता है पन्ना जो किताब में होता है। सम सम, पहले सम का अर्थ होता है समान और दूसरे सम का अर्थ होता है शांति। सन सन, पहले सन का अर्थ होता है जूट और दूसरे सन का अर्थ होता है साल वर्ष। निदान नादान, निदान का अर्थ होता है इलाज और नादान का अर्थ होता है बेसमझ। आइए कुछ और समोच्चारी शब्द के बारे में देखते हैं। शोक शौक, शोक का अर्थ होता है दुख और शौक का अर्थ होता है चाव। नीरज नीरद, नीरज का अर्थ होता है कमल और नीरद का अर्थ होता है बादल। दिन दीन, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। पका पक्का, पका का अर्थ होता है पका हुआ और पक्का का अर्थ होता है मजबूत। आर्थ आर्थ, आर्थ का अर्थ होता है दुख और आर्थ का अर्थ होता है चीख। आइए कुछ और समोच्चारी शब्द देखते हैं। उपाधि उपाधि, उपाधि का अर्थ होता है पद और उपाधि मतलब उपद्रव होता है। गिरीश गिरीश, गिरीश का अर्थ होता है हिमालय और गिरीश का अर्थ होता है शिव। चूत च्यूत, च्यूत का अर्थ होता है आम का पेड़ और च्यूत का अर्थ होता है गिरा हुआ। धराधर धड़ाधर, धराधर का अर्थ होता है शेषनाग और धड़ाधर का अर्थ होता है जल्दी से तीव्र से। धारी धारी, धारी का अर्थ होता है झुंड और धारी का अर्थ होता है धारण करने वाला। आइए कुछ और समोच्चारित देखते हैं। धत धत, पहले धत का अर्थ होता है लत और दूसरे धत का अर्थ होता है दुधकारना। नित नीत, नित का अर्थ होता है प्रतिदिन और नीत का अर्थ होता है लाया हुआ। निर्विवाद निर्वाद, निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित और निर्वाद का अर्थ होता है निंदा। नेति नेति, नेति का अर्थ होता है मथनी की रस्सी और नेति का अर्थ होता है अनंत। गुरु गुरु, गुरु का अर्थ होता है उपाय और गुरु का अर्थ होता है शिक्षक और गुरु का अर्थ भारी भी होता है। आइए कुछ और समोच्चारी शब्द देखते हैं। परिषद पार्षद, परिषद का अर्थ होता है सभा और पार्षद जो परिषद के सदस्य होते हैं। प्रविद्ध प्रबुद्ध, प्रविद्ध का अर्थ होता है प्रौढ़ पुराना और प्रबुद्ध का अर्थ होता है बुद्धिमान चालाक। फुट फुट, फुट का अर्थ होता है अकेला और फुट का अर्थ होता है खरबूजा समुदाय पूरा। बगुला बगुला, बगुला का अर्थ एक पक्षी होता है और बगुला का अर्थ होता है बवंडर चक्रवात जो होते हैं। बाई माई, बाई एक का अर्थ होता है वेश्या और बाई जो बाया का स्त्री रूप होता है। आइए कुछ और समोच्चारी शब्द देखते हैं। बाला वाला, बाला का अर्थ होता है लड़की और वाला एक प्रकार की एक प्रत्यय होती है। भोर विभोर, भोर मतलब होता है सवेरा और विभोर का अर्थ होता है मग्न। मनुजात मनुजाद, मनुजात का अर्थ होता है मानव उत्पन्न और मनुजात का अर्थ होता है मानव भक्षी। विभात विभाति, विभात का अर्थ होता है प्रभात सवेरा और विभात का अर्थ होता है शोभा। विराट विराट, पहले विराट का अर्थ होता है बहुत बड़ा और दूसरे विराट जो एक मत्स्य जनपद था जो 16 महाजनपदों में से एक था। आइए कुछ और समोच्चारी शब्द के बारे में देखते हैं। विस्तर बिस्तर, विस्तर का अर्थ होता है विस्तृत और बिस्तर का अर्थ होता है बिछावन। सूर सुर, सूर का अर्थ होता है वीर और सुर का अर्थ होता है देवता। सप्त सप्त, पहले सप्त का अर्थ होता है सांप पाया हुआ और दूसरे सप्त का अर्थ होता है सात। शान शाण, शान का अर्थ होता है इज्जत और शाण का अर्थ होता है धार तेज करने का पत्थर। शास्त्र शस्त्र, शास्त्र का अर्थ होता है सैद्धांतिक विषय और शस्त्र एक हथियार, शस्त्र को हथियार कहा जाता है। आइए कुछ और समोच्चारी शब्द देखते हैं। सकट सकट, सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी और सकट का अर्थ होता है मचान। नेक नेक, नेक का अर्थ होता है अच्छा और नेक का अर्थ होता है तनिक। हुक हुक, हुक का अर्थ होता है पीठ का दर्द और हुक का अर्थ होता है हृदय का दर्द। संभावना संभावना, संभावना का अर्थ होता है संदेह और संभावना का अर्थ होता है
तुल्यता की भावना। अभिनव अविनय, अभिनव का अर्थ होता है अनोखा और अविनय का अर्थ होता है धृष्टता। आइए कुछ और समुच्चय शब्द देखते हैं। हार हार, हार का अर्थ होता है हड्डी और हार का अर्थ होता है पराजय। श्रवण श्रवण, पहले श्रवण का अर्थ होता है टपकना और दूसरे श्रवण का अर्थ होता है सुनना। सेव सेव, सेव का अर्थ होता है बेसन का एक प्रकार का पकवान होता है और सेव एक फल होता है। अभय अभया, अभय अर्थ का अभय का अर्थ होता है निर्भय और अभया का अर्थ होता है देवी। हूठा हूठा, हूठा का मतलब अंगूठा होता है और हूठा जो 3.5 का पहाड़ा को खा जाता है। आइए कुछ और समुच्चय शब्द देखते हैं। सपत्नीक, सपत्नीक का अर्थ होता है सौत और सपत्नीक का अर्थ होता है पत्नी सहित। सीकर सीकड़, सीकर का अर्थ होता है जलकण और सीकड़ का अर्थ होता है जंजीर। सुकर सुकर, सुकर का अर्थ होता है शुगर और सुकर का अर्थ होता है सहज। संदेह सदेह, संदेह का अर्थ होता है शक और सदेह का अर्थ होता है देह के साथ। आसन आसन, आसन का अर्थ होता है भोजन और आसन का अर्थ होता है सीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।